फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्सीजन द सीरीज़ के एपिसोड 11 का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, आज की स्टोरी को हम बिना देर के शुरू करते हैं। डॉक्टर पॉथ को जब हॉस्पिटल से कॉल आता है कि खिम की कंडीशन सीरियस है तो वो हॉस्पिटल के लिए तुरंत ही निकल जाता है। खिम भी डॉक्टर पॉथ के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। खिम काफी घबराया हुआ होता है। जब डॉक्टर पॉथ खिम के पास से आता है तो वो उससे पूछता है कि अब मेरी बहन कैसी है। डॉक्टर पॉथ कहते हैं कि खिम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर भी अनकॉन्सियस है। खिम कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। डॉक्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर, ये कोई छोटी बात नहीं, मेरी सिस्टर की लाइफ का सवाल है। डॉक्टर पॉथ उससे कहते हैं, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। खिम हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उससे मिलने में इतनी देर नहीं लगाता। ये कहकर डॉक्टर पॉथ वहाँ से चला जाता है। खिम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो खिम से मिलने उसके पास जाता है। वो खिम से कहता है कि खिम, तुम ऐसे चुप मत रहो, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। लेकिन खिम बेहोश होने के कारण उसकी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती। खिम उससे कहता है कि खिम, तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँ, देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। खिम को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें ब्लेम किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी हम देखते हैं कि खिम अपनी आंखें खोल लेती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, एक्चुअली मैंने और डॉक्टर पॉथ ने मिलकर ये प्लान किया था ताकि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आओ। मैं तो उसी दिन ठीक हो गई थी जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी। मैंने सुना कि तुमने मुझसे सॉरी कहा, लेकिन मैं एक बार और सुनना चाहती हूँ। ये सुनकर खिम वहाँ से जाने लगते हैं। तभी खिम उसका हाथ पकड़ लेती है। खिम कहती है कि अच्छा, ये बताओ कि इतने दिन तुम कहाँ थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर पॉथ छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वो देखता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोलो के डैड और जे को देखते हैं जिन्हें किसी मीटिंग में जाना होता है। जे उनसे कहते हैं कि अभी आपके मीटिंग में टाइम है, मैं आपको एक कॉफ़ी शॉप पर लेके जाना चाहता हूँ। सोलो के डैड कॉफ़ी शॉप पर जाने के लिए हाँ कह देते हैं। जे ड्राइवर को कॉफ़ी शॉप पर ले जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन हमें उसी कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पर गुई वर्क करता है। तभी जे सोलो के डैड के साथ वहाँ पर आता है। वो गुई पास आता है और कहता है कि सोलो के डैड तुमसे मिलने आए हैं। गुई कहता है कि ठीक है, मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। गुई जब सोलो के डैड के पास कॉफ़ी लेकर जाता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुई कहता है कि मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर को एक अच्छी कॉफ़ी मिले। डैड, मुझे पता है कि आप सोलो की बहुत केयर करते हो, मुझे पता है कि आप ऊपर से ये दिखाते हो कि आप बहुत ही कठोर हो, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सोलो की फिक्र करते हो। मैं भी सोलो के लिए बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे जो भी चीज़ें मिले वो बेस्ट हो, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस आप मुझे एक चांस दे दो। सोलो के डैड कहते हैं कि हम तो इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। गुई कहते हैं कि मैंने सुना है कि जे आपकी सेक्रेटरी होने से पहले एक ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, पर उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया ताकि वो आपकी हेल्प कर सके और आपके लायक बन सके और आपके साथ खड़े हो सके। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सोलो के डैड कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने खुद को जे के साथ कंपेयर किया। कहने की बात हो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब प्रूफ करने की बारी आती है तो बहुत कम लोग ही इसको प्रूफ कर पाते हैं। गुई कहते हैं कि मैं सोलो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सोलो के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ खुद को प्रूफ करने का, लेकिन अगर तुम्हारी इंटर्नशिप ने मुझे अनसेटिस्फाई किया तो तुम सोलो से फिर कभी दोबारा नहीं मिलोगे। ये सुनकर गुई काफ़ी खुश होता है कि फाइनली उसे एक चांस मिल ही गया। वो सोलो के डैड को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं खिम को एक डायरी देते हुए कहता है कि इसे डॉक्टर पर्थ ने मुझे दिया और बताया कि डॉक्टर पेच ने उन्हें दिया था। खिम जब डॉक्टर पेच का नाम सुनती है तो वो उसे डायरी वापस करने लगती है और कहती है कि वो नहीं पढ़ेगी। खिम कहता है कि नहीं, तुम इसे एक बार पढ़ लो, मैं मानता हूँ कि तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए। वो खिम से पूछता है कि क्या तुम अभी भी डॉक्टर पेच से नाराज हो। ये सुनकर खिम उससे कहती है कि और तुम, क्या तुम उससे नाराज नहीं हो। खिम कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसने तुम्हारी कई बार जान बचाई है, इसलिए तुम्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। खिम के इतना सब कहने पर खिम उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी खिम को उस डायरी में एक लेटर भी मिलता है। उस लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें डॉक्टर पेच ने लिखा होता है कि आई एम सॉरी जो मेरी वजह से तुम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ, मैं उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं तुम दोनों को अब कभी परेशान नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया, और वो केस हमेशा मेरे दिल में रहेगी। तभी खिम मुझसे पूछता है कि खिम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में डॉक्टर पेच के बारे में क्या फील करती हो। खिम कहती है कि मैं कुछ भी फील नहीं करती हूँ। खिम कहते हैं कि पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए।
किम उसे वो ट्रिक ट्राई करने के लिए कहता है जिसमें वो कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और जो चेहरा पहले दिखाई देगा उससे तुम प्यार करते हो। किम कहती है कि ठीक है और वो आंखें बंद करके ट्राई करने लगती है। उसे डॉक्टर पेच का ही फेस दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर पेच रियल में उसके पास खड़ा होता है और वो उसे किम कह के पुकार रहा होता है। तभी वो अपनी आँखें खोलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। डॉक्टर पेच उसे कहते हैं कि किम ने मुझे कहा कि तुमने मेरी लेटर पढ़ी और तुमने मुझे अंदर बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर किम काफ़ी सरप्राइज होती है। तभी डॉक्टर पेच उससे कहते हैं कि तुमने मेरा लेटर पढ़ा तो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, मैं जानना चाहता हूँ। किम कहती है कि तुम जानते हो ना कि मुझे झूठ बोलने वालों से कितनी नफरत होती है। डॉक्टर पेच कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। ये कहते हुए डॉक्टर पेच थोड़ा सा उदास हो जाता है। ये देखकर किम उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूँ, तुम मुझे सच बताओ वाटरफॉल पर जो तुमने कहा वो सारी चीज़ें सच हैं क्या, तुम मेरे बारे में वैसे ही फील करते हो। ये सुनकर डॉक्टर पेच उससे कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा उस टाइम वो सारी चीज़ें सही हैं। किम कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कैसे करूं। इस पर डॉक्टर पेच उसके क्लोज आता है और वो उसे किस करता है। दूसरे टाइम जब वो उसे किस करने जाता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर पेच कहता है कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चले कि मैं जो फील करता हूं वो सच है। किम कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी सिंसियरिटी तुम्हारे किस करने से मुझे कैसे पता चलेगी। डॉक्टर पेच कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं हम एक बार और ट्राई करते हैं। और ये कहते हुए किम को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर किम उसे रोक देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है। वो ये देखकर खुश होता है कि दोनों खुश हैं आप। तभी डॉक्टर पद किम के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो हम कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए नीचे चलते हैं। किम कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी ट्रीट है। डॉक्टर पेच कहते हैं कि हाँ और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चल जाते हैं। नेक्स्ट दिन में हम काओ को देखते हैं जो कि काफ़ी उदास होकर बैठा होता है। तभी वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाता है और उनसे कहता है कि मॉम। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी परेशानी में हो तभी तुमने इस वक्त मुझे कॉल किया है, कहीं फू को पता तो नहीं चल गया कि तुमने जंगल में खो जाने का झूठा नाटक किया था। काओ काफ़ी उदास होकर कहते हैं कि मॉम वो मुझसे दूर जा रहा है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि क्यों, क्या बात है, क्या हो गया। काओ उन्हें बताता है कि मॉम जब मैंने सुना कि वो इंग्लैंड जा रहा है तो मुझे ये बहुत हर्ट कर रहा है। और वो इमोशनल होते हुए कहता है कि मॉम मेरे हर्ट को बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें इस टाइम जो करना चाहिए वो ये है कि तुम्हें शांत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी जो तुम्हारे पास सही समय है उसका सही यूज़ करो। काओ कहता है कि मॉम आप ठीक कह रही हो पर उसकी फीलिंग का क्या। वो कहती है कि काओ जब दो दिलों की धड़कन एक हो जाती है तो वो तुम्हें खुद ही बता देगा। इस पर काओ कहता है लेकिन मॉम अभी तो। इस पर वो कहती हैं कि मुझे मालूम है तुम अभी जानना चाहते हो तो तुम जाओ और उसके बारे में खुद ही पूछ लो। इस पर काओ उनसे कहते हैं कि अगर मैं उससे पूछने की हिम्मत रखता तो आपको कॉल क्यों करता। काओ की मॉम उसे किसी असिस्टेंट की हेल्प लेने के लिए एडवाइस करती हैं। ये सुनकर काओ खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फू कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहा होता है। तभी काओ उसके घर आता है और दरवाजे को नॉक करता है। वो दरवाज़ा खोलता है और इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काओ कहते हैं कि मैं अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करूंगा और जल्दी मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तुम अपने बिजनेस को रन करने में बिजी हो जाओगे और हम कई सालों तक शायद मिल नहीं पाएंगे लेकिन जाने से पहले तुम कुछ चीज़ें मुझे एश्योर करके जाओ। वो उसे पानी देते हुए कहते हैं कि ठीक है बोलो। काओ कहते हैं मुझे इसे बोलने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए और इसके बाद वो पानी पीने लगता है। काओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी बात को कैसे कहे इसलिए वो परेशान होकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये देखकर वो स्माइल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो बात इतनी सीरियस है कि तुम उसे कह नहीं पा रहे हो। काओ कुछ देर तक चुप रहता है फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें टाइप करता है। वो गूगल असिस्टेंट की हेल्प से फू से पूछता है कि क्या तुम्हारी हार्ट बीट वैसे ही बीट करती है जैसे मेरी करती है, क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर फू उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, गूगल ट्रांसलेट। काओ कहता है कि हाँ मेरी मॉम ने कहा कि अगर मैं सीधे तुमसे ना कह पाऊँ, अगर मेरी ऐसी हिम्मत नहीं हो तो मैं असिस्टेंट की हेल्प लूँ। इस पर फू उससे कहता है कि उनका मतलब था कि तुम मुझे इनडायरेक्टली बताओ ना कि उन्होंने किसी असिस्टेंट ऐप की हेल्प लेने के लिए बात कही थी। और ये कहते हुए उसके सिर पे हल्का सा हिट करता है और हंसने लगता है। काओ कहते हैं कि तुम मुझ पे बाद में हंस लेना लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या है। फू खड़ा हो जाता है और बहुत ही प्यार से उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे अब नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और ये कहकर वो जाने लगता है। काओ भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि पहले तुम मुझे अपना आंसर तो बताओ, लेकिन फू उसे कुछ नहीं बोलता। काओ उदास हो जाता है लेकिन जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि फू ने उस पर यस टाइप किया होता है। फू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया है। ये सुनकर काओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बार बार फ़ोन को प्ले करता है और उसमें यस सुनता है और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई अपनी इंटर्नशिप पर जाने के लिए तैयार हो गया होता है। वो सोलो से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, अब मुझे जाना होगा। लेकिन सोलो जिद करने लगता है कि तुम अभी मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जी सोलो को समझाता है कि यंग मास्टर गुई के लिए ये आप और भी डिफिकल्ट मत बनाओ, उन्हें जाने दो। सोलो जे की बात को समझ जाता है और वो गुई को जाने देता है। गुई को वैन में बिठा कर जब वो जे के पास वापस आता है तो जे कहता है कि आज उसके उसके डैड के साथ मीटिंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई और बियर फाइनली उस कंपनी में पहुंच ही जाते हैं जहां पर उन्हें इंटर्नशिप करना होता है। बियर गुई से पूछता है कि क्या सोलो को पता है कि तुम जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो वो उसके डैड की कंपनी है। गुई कहता है कि हाँ उसे पता है, पहले तो उसे मनाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वो मुझे यहाँ पर आने नहीं दे रहा था। इसके बाद दोनों कंपनी के अंदर जाने लगते हैं, तभी बाहर उन्हें एक एम्प्लॉय मिलती है। वो उससे बताते हैं कि हम दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करने आए हैं। इसके बाद वो दोनों अपना डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि इसमें एक ही पर्सन का नाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे है, वो भी बियर का होता है। ये देखकर गुई काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है कि हम दोनों ने तो साथ में फॉर्म फिल की थी। वो लड़की दोबारा लिस्ट में नाम चेक करती है और वो बताती है कि इसमें तो सिर्फ बियर का ही नाम है और आपका नाम तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं। ये सुनकर गुई काफ़ी सरप्राइज होता है और वो सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई कंपनी के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की गुई को उसका डेस्क दिखाती है और उसे उसका आईडी कार्ड दे देती है। गुई ये देखकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में क्यों हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे अलावा एक और पर्सन भी इस डिपार्टमेंट में इंटर्न कर रहा है और वो लिंडा को बुलाती है। लिंडा कहती है कि मैंने सुना कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात करके मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज करवा सकती हूँ। गुई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी डिपार्टमेंट में इंटर्न करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, बियर अपने सामानों की अनपैकिंग कर रहा होता है। गुई सोलो से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो सोलो से पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। सोलो कहता है कि वो बहुत ही बिजी रहा, लेकिन वो जल्दी ही काम खत्म करके गुई से मिलने आएगा। गुई कहता है कि मैं वेट करूंगा। सोलो पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा। गुई कहता है कि बहुत ही अच्छा रहा। बियर गुई के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बजाय किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। गुई कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और वैसे भी उन्होंने मुझे इस डिपार्टमेंट में भेजा है तो इसका कोई रीज़न होगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं खुद को प्रूव करूंगा। ये सुनकर बियर कहता है कि लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा देखते हो, क्या कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर सकता है। ये सुनकर गुई कहता है कि ऑफकोर्स कर सकता है और मैं सोलो के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। बियर कहता है तब तो तुम्हें और भी ज़्यादा ड्रामा देखने की ज़रूरत है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।